करवाने का काम करते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टैब्लिश करते हैं एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम्स में सेकेंड मैसेंजर्स की अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल्स की तो साइक्लिक ई एम पी साइक्लिक जी एम पी आइनोसिटोल ट्राईफोस्फेट जिसको हम लोग आई पी थ्री से डिनोट करते हैं डी ए जी दैट इज डाई एसेल ग्लिसरॉल कैल्शियम ये सारे सेकेंड मैसेंजर्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे सेल के सरफेस से जो कि सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर्स हार्मोन को रिसीव करते हैं वहां से सिग्नल्स को कम्युनिकेट करने का काम करते हैं ये स्पेसिफिक टारगेट साइट्स पे जो कि सेल के साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है अब टोटल तीन टाइप्स ऑफ ये जो ये जो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम होते हैं ये मेनली तीन टाइप के होते हैं पहला होता है एडिनेलाइल साइक्लिस साइक्लिक एम पी मैसेंजर सिस्टम सेकेंड हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन सिस्टम एंड थर्ड हम लोग देखेंगे कैल्शियम कैलमोडिन सेकंड मैसेंजर सिस्टम सबसे पहला मैसेंजर सिस्टम हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और वन बाय वन हम लोग तीनों मैसेंजर सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे तो आते हैं सबसे पहले मैसेंजर सिस्टम पे दैट इज एडीनलाइल साइक्लिक पी सेकेंड मैसेंजर सिस्टम ये जो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम होता है इसके थ्रू कौन कौन से हारमोन्स अपना सेकेंड मैसेंज इसके मतलब कौन कौन से हारमोन इस सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं लाइक ए सी टी एच डैट इज एडिनोकोटिकोट्रॉफिक हॉर्मोन एनजियोटेंसिन टू जिसके रिसेप्टर से सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं कैल्सिटोनिन कैटेकोलेमाइंस जो कि बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करते हो एफ एस एच एल एच ग्लूकागन पैराथेरॉड हार्मोन थायरॉय स्टमलेटिंग हार्मोन सीक्रेटिन सोमेटोस्टेटिन एंड वेसोप्रोसिन विथ जो कि वी टू रिसेप्टर्स पैक करते हो ये वी टू रिसेप्टर जो कि एपिथीलियल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं तो ये सारे हॉर्मोन्स जो होते हैं वो एडीनालाइल साइक्लिस साइक्लिक की एम पी सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करते हैं अब ये जो ये जो मैसेंजर सिस्टम है दैट इज एडीनालाइल साइक्ल साइक्लिक एम पी सेकेंड मैसेंजर सिस्टम इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो इसके मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक हार्मोन जो होता है या फिर ये लाइगेंड जो होता है वो एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से जा के बाइंड करता है इसके बाइंडिंग से क्या क्या होता है ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था हम लोगों ने जो जब हमने हार्मोन रिसेप्टर इंट्रैक्शन समझा था तो जैसे ये जी प्रोटीन से जा कर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से जाकर के ये लाइगेंड बाइंड करता है इसकी वजह से जो जी प्रोटीन होता है उसका एक्टिवेशन होता है एंड फाइनली जो अल्फ़ा सब यूनिट से जब जीटीपी जाकर के जुड़ता है तो वो डिसोसिएट हो जाता है गामा और बीटा सब यूनिट से एंड फाइनली अल्फा सब यूनिट विथ जीटीपी अदर इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग प्रोटीन से जाकर के जुड़ जाता है अब यहाँ पे हम लोग को समझना है एडिनेलाइल साइक्लिस का साइक्लिक एम पी का मैकेनिज्म यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ये जो यहाँ पे ये जो प्रोटीन है या फिर ये जो रिसेप्टर है इसका इंट्रासेलुलर पार्ट जो होता है वही एडिनाइलाइल साइक्लेस की तरह बिहेव करता है ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जब हमने समझा था एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर जब हमने समझा था सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर जिसमें जिसमें हार्मोन का जिसमें रिसेप्टर का इंट्रासेलुलर पार्ट खुद एडिनाइलाइल साइक्लिस की तरह बिहेव कर रहा है और ये एडेनाइलाइल साइक्लिस जब स्टूमलेटरी जी प्रोटीन के इन्फ्लुएंस में आता है तो ये स्टूमलेट हो जाता है और जब इनिबिटरी जी प्रोटीन के inima, uh, के इन्फ्लुएंस में आता है तो ये इनिबिट हो जाता है एंड फाइनली ये एडेनाइलाइल साइक्लिस का फंक्शन क्या होता है कि ये ए को कन्वर्ट करता है साइक्लिक के में और जैसे ही ए साइक्लिक पी में कन्वर्ट होता है ये साइक्लिक के इनएक्टिव साइक्लिक के एम डिपेंडेंट प्रोटीन का को कन्वर्ट करने का काम करता है एक्टिव साइक्लिक एमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज में ये एक्टिव साइक्लिक डिपेंड साइक्लिक साइक्लिकी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज प्रोटीन का फॉसोराइलेशन करवा देते हैं दैट इज प्रोटीन से जब ए टी पी जा करके जुड़ जाता है तो प्रोटीन फॉस्फेट प्लस ए डी पी में कन्वर्ट हो जाता है इन इनकाइनीजेस के प्रेजेंस में और ये जो फॉसफोराइलेटेड प्रोटीन है ये फाइनली सेल्स के रिस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं सो so, ये मैकेजम था वो ये मैकेजम था जिसके थ्रू हमारा एडीनाइलाइल साइक् साइक्लिक मैकेजम ऑपरेट होता है इसके बाद हम लोग सेकेंड मैसेंजर सिस्टम समझेंगे दैट इज द सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड सेकेंड मैसेंजर सिस्टम सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड सेकेंड मैसेंजर सिस्टम इस सिस्टम के थ्रू जो हॉर्मोन्स ऑपरेट करते हैं दोज आर एंजियोटेंसिन टू जिनके रिसेप्टर्स वस्कुलर स्मूथ मसल में प्रेजेंट होते हैं कैटेकोलेमाइंस जिनके जो कि अल्फा रिसेप्टर्स के थ्रू मेडिएट करते हैं इन रेस्पॉन्स को जी एन आर एच डैट इज गुनाइडोट्रोफिन रिलीजिंग हारमोन ग्रोथ हारमोन रिलीजिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन टी आर एच डैट इज थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन एंड वेसोप्रेसिन ऑफ वीवन रिसेप्टर टाइप जो वीवन रिसेप्टर पर जाकर के एक्ट करें जो कि वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पर प्रेजेंट होते हैं तो ये हॉमोन्स जो होते हैं वो इस सेकेंड मैसेजर सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करते हैं इसके मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो एज नेम सजेस्ट दिस इज सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड सेकेंड मैसेजर सिस्टम तो इसका जो मैकेनिज्म होगा वो सेल मेम्ब्रेन पे से ही एसोसिएटेड होगा इसका मैकेनिज्म ऐसे स्टार्ट होता है कि जैसे ही हार्मोन जा करके या फिर लाइगेंड जा करके जैसे ही बाइंड करता है रिसेप्टर से ये रिसेप्टर से जैसे ही लाइगेंड बाइंड करता है इसकी वजह से एक्टिवेशन हो जाता है एक एक एंजाइम का जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेस सी ये फॉस्फोलाइपिस सी एंजाइम जो होता है वो इस रिसेप्टर से एसोसिएटेड एंजाइम होता है जिसका एक्टिवेशन हो जाता है इसके एक्टिवेशन की वजह से फॉसफोलाइपिस सी एनजाइम जो कि रिसेप्टर से ही क्लोजली एसोसिएटेड है और मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है ये एंजाइम के एक्टिवेशन से ये ये एंजाइम जो होता है वो फाइनली फॉस्फाटाइडल आइनोसेटल बाईफॉसफेट दैट इज पी आई पी टू को कन्वर्ट कर देता है आई पी थ्री और डी ए जी में दैट इज आइनोसिटोल ट्राई फॉस्फेट और डाइएसिल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है इसमें से जो डाइएसिल ग्लिसरॉल होता है वो कुछ इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज सी को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव प्रोटीन काइनेज सी में और ये जो एक्टिव प्रोटीन काइनेज सी बनता है ये फाइनली प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करवा देता है जो कि सेल्स के लिए सेल्स के रिस्पांस के लिए रिस्पांसिबल होता है ये जो आईपी3 है दैट इज इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट ये आईपी3 जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टुमुलेट करवा करके वहाँ से कैल्शियम का रिलीज स्टुमलेट करवाता है और जैसे ही यहाँ से कैल्शियम का रिलीज बढ़ता है इसकी वजह से सेल्स का रिस्पांस हम लोग को देखने को मिलता है अब कैल्शियम के रिलीज से सेल का रिस्पांस कैसे देखने को मिलता है वो हम लोग जब नेक्स्ट मैसेंजर सिस्टम पढ़ेंगे दैट इज़ कैल्शियम कैलमोडुल सेकेंड मैसेंजर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को समझ में आएगा तो ये बेसिक मैकेनिज्म था कि कैसे एक एक सेल मेमरीन में प्रेजेंट जो एंजाइम था दैट इज फॉस्फोलाइपेज सी वो पी आई पी टू दैट इज फॉसफोटाइडिल एनोसेटिल बाईफॉस्फेट जो कि एक तरह का लिपिड है फॉस्फोलिपिड है क्योंकि ये फॉसफो है तो मतलब फॉस्फोलिपिड को ये तोड़ने का काम करेगा तो ये जो फॉस्फोटाइडिल एनोसेटिल बाईफॉस्फेट होता है इसको तोड़ता है विच इज अ फॉस्फोलिपिड इसको तोड़ता है ये आई पी थ्री और डी ए जी में और आईपी थ्री फाइनली माइटोकॉन्डी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करवा करके सेल का रिस्पॉन्स कॉज करता है वाइल डी जो होता है वो प्रोटीन का इन सी को एक्टिवेट करके प्रोटीन का एक्टिवेश प्रोटीन का फॉस्फोराइजेशन करवाता है जिसकी वजह से सेल का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है ये था हमारा सेकेंड मैसेंजर सिस्टम दैट इज सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड सेकेंड मैसेंजर सिस्टम अब हम लोग थर्ड मैसेंजर सिस्टम की बात करेंगे दैट इज कैल्शियम कैलमोडुलन सेकेंड मैसेंजर सिस्टम ये जो कैल्शियम कैलमोडुलन सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है इसकी इसके नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि कैल्शियम के थ्रू ये मैसेंजर सिस्टम ऑपरेट होता होगा अब कैल्शियम सेल के अंदर जब एंटर करेगा तभी जा करके ये मैसेंजर सिस्टम काम करेगा ये कैल्शियम के सोर्सेस क्या हो सकते हैं तो सबसे पहला सोर्स होता है इसका जो कि हम लोग ने पहले पिछले वीडियो में पढ़ा था सबसे पहला रिसेप्टर दैट इज आयन चैनल लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर या तो ऐसे मतलब अगर लीगेंड कुछ ऐसे रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करे जो रिसेप्टर के अंदर कन्फर्मेशनल जिस रिसेप्टर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से आयन चैनल्स खुल जाए और उन आयन चैनल्स के थ्रू कैल्शियम के एंट्री हो पहला मेथड कैल्शियम के एंट्री का ये हो सकता है सेकेंड मेथड ये हो सकता है कि अगर रिसेप्टर से जा के जुड़ता है इसकी वजह से मेम्रेन पोटेंशियल में चेंजेस आ जाते हैं और इन चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से कैल्शियम चैनल्स का ओपनिंग हो जाता है और कैल्शियम अंदर की तरफ एंटर हो जाता है और थर्ड मेथड हो सकता है कैल्शियम एंट्री का जो हमने जस्ट देखा कि जैसे ही मेम्ब्रेन से जैसे ही रिसेप्टर से हॉर्मोन जा कर के इंटरेक्ट करता है तो फोस्फोलाइप सी का एक्टिवेशन होता था जिसकी वजह से पी आई पी टू आई पी थ्री और डी ए जी में, में कन्वर्ट हो जाता था और आई पी थ्री जो होता था वो माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज़ करवाता था तो अल्टीमेटली इन तीन मेथड से कैल्शियम का एंट्री हो सकता है एक बार जब कैल्शियम सेल के अंदर एंटर हो जाता है या फिर कैल्शियम सेल के अंदर प्रेजेंट हो जाता है तो फिर एक इफेक्टिव क्वांटिटी में जब प्रेजेंट हो जाता है सी इफेक्टिव क्वांटिटी का कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल कैल्शियम की कंसंट्रेशन सेल में होती है टेन टू द पावर माइनस एट टू टेन टू द पावर माइनस सेवन मोलर जो कि इतना इनफ नहीं होता है कि आगे का जो सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे कैलमोडुलन सिस्टम इसको एक्टिवेट कर सके जब कैल्शियम रेज हो जाता है सेल में 10 टू द पावर माइनस सिक्स टू 10 टू द पावर माइनस सेवन मूलर तब ये ऑलमोस्ट ऑल इंट्रा सेलर एक्शन ऑफ द कैलमोडुलिन को परफॉर्म करवा पाता है तो एक बार कैल्शियम सफिशेंट अमाउंट में इंक्रीज हो गया सेल के अंदर तो ये इंक्रीज अमाउंट ऑफ द कैल्शियम जो होगा वो इनएक्टिव कैलमोडिलिन जो कि एक प्रोटीन होता है इसको कन्वर्ट कर देगा एक्टिव कैल्शियम कैलमोडिलिन में मतलब एक्चुअली में कैल्शियम जो होता है वो इनएक्टिव कैलमोडिलिन के साथ जाकर के बाइंड कर जाता है और इसके बाइंडिंग की, की वजह से ये इनएक्टिव कैलमोडिलिन एक्टिव कैल्शियम कैलमोडिलिन में कन्वर्ट हो जाता है ये एक्टिव कैल्शियम कैलमोडिलिन फाइनली इनएक्टिव कैलमोडिलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम्स को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव कैलमोडिल डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम्स में एंड फाइनली एक बार प्रोटीन काइनेज एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए तो प्रोटीन का फिर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा और प्रोटीन के फॉस्फोराइलेशन की वजह से सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा कैल्शियम कैल सेकेंड मैसेन्जर सिस्टम के केस में जो सेलुलर रिस्पॉन्स जनरली देखने को मिलता है वो होता है स्मूद मसल का कॉन्ट्रैक्शन सो ये हमने टोटल तीन टाइप के सेकेंड मैसेंजर सिस्टम देख लिया दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन टू गेट नोटिफिकेशन इफ़ यू वॉन्ट नोट्स फॉर द फॉलोइंग वीडियो यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो थैंक यू